मैं चंद्रकला त्रिपाठी, मुझे आज बात करनी है मेरी रचनाशीलता का स्त्री संदर्भ। मैं जो लिखती रही हूँ कविता में, कहानी में, और एक उपन्यास अभी आने वाला है, लगभग पूरा है, एक कथा डायरी जो आई है, तो उसके बारे में बताना चाहिए कि मैंने क्या लिखा पढ़ा है। बहुत कम लिखा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा पढ़ा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाए। बस सामान्य सा लिखना पढ़ना है, और दो संग्रह आए, थोड़ी मोड़ी बातें हुई उन पर। एक था वसंत के चुपचाप गुजर जाने पर, और दूसरा संग्रह था शायद किसी दिन, और एक कथा डायरी आई। तो मैं ये बताना चाहती थी कि बहुत सारे संयोगों का एक सिलसिला रहा मेरे साथ। अब जैसा सभी आप लोग जानते हैं कि मैं अध्यापिका हूँ रही हूँ, और लंबे समय तक मैंने पढ़ाया है, और पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे बहुत बहुत सारा एक क्रिएटिव टाइम उसमें भी जाता है। पढ़ाना भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम था, बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम था। मेरे विद्यार्थी जानते हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं कि मेरे लिए मेरी क्लासेस, जो बहुत सारे रचनाकारों को पढ़ाते हुए, साहित्यकारों को पढ़ाते हुए रही हैं, वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव वर्क की तरह ही था। और उसके साथ साथ मुझे जो एक बेचैनी होती है, एक छटपटाहट होती है, मुझे लगता है जो एक एसेंस सा उतरता रहता है रूह के भीतर, आत्मा के भीतर, आपकी कलम की नोक पर आने के लिए, तो वो चीज़ें भी मेरे साथ रहीं। तो वो लिखा मैंने, कविताएं लिखी और कहानियां लिखी, कुछ कहानियां, और बहुत सिलसिलेवार नहीं लिखी। उसका बहुत सारा कारण, एक बहुत बड़ा कारण मेरा आलस्य भी था। मेरा बहुत ही एक तरीके से काहिल तरीके का स्वभाव है, और एक जो निरंतरता चाहिए लिखने में, एक जो व्यवस्था चाहिए लिखने में, उस तरह का है नहीं कुछ। पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डायरी लिखती हूँ मैं, तो डायरी लिखना वो एक मेरा बड़ा, जैसे एक कहते हैं ना, निरंतर वाला काम है। और मेरे साथ, शुक्रिया, मेरे साथ रहती हैं डायरियाँ। मैं कहीं भी जाऊँ, यात्राओं में रहूँ, यहाँ तक कि मैं बहुत छोटी यात्राओं में भी जब निकलती हूँ तो भी मेरे पास डायरी रहती है, और मेरी बहुत अंतरंग है, तो वो डायरी रही है। तो मेरी रचनाशीलता के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे शायद ये जो एक संयोगों की झड़ी भी लगी है मेरे लिखने पढ़ने में, उसके बारे में आपको कुछ पता चले। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि मैं डायरी लिखती हूँ, तो मैंने बहुत सारे अपने जीवन के नज़दीकी किरदारों के बारे में बड़ा तटस्थ होकर कुछ लिखते रहे, और उसमें बड़ी डेप्थ भी थी, और बड़ी कशिश थी, और बहुत, एक कहते हैं कि यातना के बहुत सारे नए रूप थे। और तो मैं बता रही थी कि डायरी अल्पना मिश्र के हाथ कैसे लगी। अल्पना मेरी बहुत प्रिय शिष्या हैं, रही हैं मेरे साथ, उन्होंने रिसर्च किया है, आप जानते हैं, वो बहुत अच्छी लेखिका हैं, ख्यात लेखिका हैं, इस समय बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो उन्होंने पढ़ा, शुक्रिया शालिनी, उन्होंने पढ़ा तो वो बहुत खुश हुई, बहुत आह्लादित हुई, और वो बहुत झल्लाई भी, नाराज़ भी हुई मेरे ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है, और ये बहुत अलग तरीके की बात है, ये आपका छपना चाहिए बिल्कुल, और इसको ये डायरी में बचा के दबा के मत रखिए।
उसने बहुत प्रेरित किया, बहुत तरीके से उसने दबाव डाला। अक्सर हम लोग साथ रहा करते हैं, साथ रहा करते थे, मुलाकातें होती रहती हमारी, कहीं कहीं से भी हम जाएं तो मिल लेते हैं। तो उसने ऐसा कहा, फिर मैंने उसका एक हिस्सा बया में भेजा, बया जो गोरेनाथ जी की पत्रिका है, तो वो छप गया उसमें। और छप गया तो शेखर जोशी जी का कुछ फोन और भी आया अच्छे, लेकिन शेखर जो आत्मीय व्यक्ति हैं और बहुत रुचि लेते हैं वो, तो उनका जब फोन आया तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने उसको पढ़ा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और तब मैंने बातों बातों में उनको बताया कि दरअसल ये उसका एक हिस्सा है जो शायद कल किताब का कोई रूप ले ले। तो उन्होंने कहा फिर ये क्या कर रहा है अभी तक, ये इसको तो पूरा आना चाहिए और पूरा छपना चाहिए। जो मैंने संयोगों की बात कही ना कि कैसे संयोग मुझे धक्का देते हैं कि नहीं आगे बढ़ो आगे चलो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि शेखर जोशी कह रहे हैं, अल्पना ने कहा कि नहीं नहीं इसको आना चाहिए, और भी गुरुजन और साथी लोगों ने कहा बहुत अच्छा है पढ़ा और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो मुझे लगा कि चलो उसको मैंने फिर गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लिया तो एक और छोटी सी घटना हुई जो बड़ी मज़ेदार है, जिसके द्वारा मुझे उसकी ताकत का पता चला। वो घटना ये थी कि मुझे ठीक याद है शायद पूर्वग्रह में, उस समय पूर्वग्रह या साक्षात्कार ग्रह में ही, उस समय प्रभाकर श्रोत्री जी संपादक थे, तो उनका एक पत्र आया कि रचनात्मक सहयोग के लिए उन्होंने कुछ मांगा, कोई रचना भेजिए कुछ भी। तो मैंने जो मैं लिखना शुरू कर चुकी थी इस उस मोड़ पर, वो किताब है कथा डायरी मेरी, उसके हिस्से में लिखना शुरू कर चुकी थी, उसका एक हिस्सा बया में छप चुका था। तो दूसरा हिस्सा मैंने भेजा प्रभाकर श्रोत्री जी के पास। तो वो जब वहाँ गया तो बाई पोस्ट गया, और कुछ ही दिनों बाद वहाँ से एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन आया कि आपने 11 पृष्ठ संख्या 11 के बाद जो है उसके बाद सीधे 14 है, फिर 14 15 16 17 हैं और दो पृष्ठ इसमें नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी उस आवाज़ में इतनी उत्सुकता थी, इतना मतलब एक बेचैनी मुझे सुनाई दी। वो बेचैनी आप हम लोग जानते हैं वो क्या होती है। तो मुझे उनकी जो बेचैनी सुनाई दी मुझे बहुत ही बहुत मुझे लगा कि ये ताकत है शायद इसमें। और वो चैप्टर था, उसका नाम बता दूं मैं आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा है उसको, जो मेरे पंखुरी नमस्ते, तो उसका नाम था जिंदगी एक बाह रंग हरा, ये उस शीर्षक था उस अध्याय का। जिस किसी ने पढ़ी है ये किताब उसको मालूम है उसके सारे शीर्षक गीतों से हैं इस मोड़ पर। हाँ, सोनी को याद है। तो इस तरह से ये, और फिर मैंने जब किताब वो फॉर्म हुई बन गई, उसके जैसे उसके जो शीर्षक थे बेला फूले आधी रात, गुलरी के फुलवा बलम, मतलब ये गीतों से लिए थे मैंने सारे के सारे शीर्षक। तो तुम्हारा भी आभार। तो ये फिर मैंने उस किताब, मैं बता रही हूँ आपको कि जो संयोग लगातार बनते चले गए, तो उस किताब पर मैंने मीर का एक शेर दर्ज किया जो शायद मेरी बात को काफी हद तक कह रहा था। वो शेर ये है कि जो काफिले गए थे उन्हीं की उठी थी गर्द,
क्या जानिए गुबार हमारा कहाँ रहा। तो ये जो किरदार थे उसमें ज्यादातर जो स्त्री किरदार थे, है ना, तो वो एक ये जो हमारी दुनिया है इसी दुनिया के थे, और ज्यादातर वो ग्रामीण या जो कहते हैं ना गांव समाज के किरदार थे, और ये क्या कहते हैं इसको कि शहरी कस्बाई जीवन के किरदार थे। और एक बहुत ही देखा गया घटित था उनके साथ, बहुत ज्यादा जिसको हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो स्त्रियों की एक वंचित स्थिति बनती है परिवार में और समाज में, जो बहुत जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे हाँ इसके साथ ये हुआ होगा उसके साथ वो हुआ होगा, तो ऐसा ही था। तो ऐसा ही था तो मैंने क्यों चुना, ऐसा ही था तो हम देखते हैं सुनते हैं और हम भूल भी जाते हैं, तो मैंने उन्हें कहने के लिए क्यों चुना। क्या जानिए गुबार हमारा कहाँ रहा, तो ये उनका उन्हीं के गुबार में वो मेरा भी गुबार कहीं था। तो वो जब मैंने लिखा तो उसका एक चरित्र मैं आपको आपसे साझा करूं, क्योंकि मेरा ये मानना है जैसे कहते हैं ना कि ये जो स्त्रियां हैं गांव की जो स्त्रियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, आप लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन इस तरह से शायद देखें सोचें तो आपको कुछ और दिखाई पड़े कि कम उम्र में शादी होती है, वो उम्र कुछ भी हो सकती है, पैदा होने के तुरंत बाद भी हो सकती है, लड़कियों की शादी होती रही है ना। 12-13 साल की हुई तो गौना हो गया, ससुराल चली गई, 15 साल में बच्चा हो गया, 15-16 साल में बच्चे हो गए, अपनी 30-32 की उम्र में वो सास बन गई, 32-35 की उम्र में, आप इसको देखिए समझिए इस बात को। और आपको पता है जब वो सास बन गई 35 की उम्र में ज्यादा से ज्यादा, तो उनको घर में बूढ़ा कहा जाता है, एक बात, यानी उनके जीवन समय था उर्वर समय वो जो है तो वो खत्म है। अब उनका जो समय है वो एक जीवंतता का समय नहीं है, वो बूढ़ा कही जाती हैं क्योंकि वो सास बन गई हैं, दामाद आ गया, बहू आ गए, पोते हो गए, तो वो बूढ़ा हो गई। अब इस बूढ़ा की जिंदगी में जरा सा झांकिए, जिसकी उम्र बूढ़ा वाली नहीं है, उसको एक दाम्पत्य मिला, एक रिश्ता मिला, उस रिश्ते में सहजीवन जैसा कितना था, कितना था सहजीवन जैसा। अभी जो इस उस मोड़ पर की बात कर, बिल्कुल बहुत सारी स्त्रियों का के तलघर में गए हम, उनके पाताल में उतरे, और वहां से मैंने उसको चुना और चुन के कहा, उनकी बात कही। तो अब वो जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी एक उपन्यास में भी एक ऐसा संदर्भ आएगा कि बहुत तरह तरह के पुरुष मिले, जिन पुरुषों ने चाहा कि पत्नी उनके मन की हो जाए, जिन्होंने सहजीवन चाहा, जिन्होंने चाहा कि दाम्पत्य जो है उसमें कुछ बराबरी वाला रस बना रहे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों की एक अलग ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो ट्रेनिंग ये थी कि अब अगर वो पढ़े लिखे हैं, नौकरीशुदा हैं, बाहरी समाज में उनका रोब रुआब है, रुतबा है, तो उनका ये था कि भाई मेरे जैसी, मेरे साथ चलने लायक हो जाओ, लोग देखें तो ये ना कहें कि इनकी बीवी कैसी है। उसमें एक जीवन ऐसा था वो कि उनके पति भी पढ़ते थे, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे थे, और पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो रात में डिबरी जला के, डिबरी जानते हैं आप लोग, डिबरी जला करके चुपचाप अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। मेरी किताब है इसलिए नहीं कह रही हूं, लेकिन उसमें बड़ी
क्षमता है। तो इस तरीके से वो पढ़ाते थे और पढ़ाते हुए बड़े कठोर हो जाते थे और कठोर होकर वो उनकी हथेली पर, हथेली गदोरी पर चट छड़ी से मारते थे, पतली सी छड़ी रखते थे वो और उसी से मारते थे और मारते थे और वो उनकी पूरी हथेली खून खून हो जाती थी, सारा खून उभर आता था हथेली पर। पति पढ़ा रहा है, पति शिक्षक है और पति पढ़ा रहा है, तो वो हथेली एकदम रक्त से भर जाती थी। और सवेरे उठ के उस स्त्री को सारा काम करना है, ये इसमें आ रहा है, ये चन्ना तुम उगियों में ये प्रसंग आएगा। तो सवेरे उठ के वो काम कर रही हैं, तो बर्तन धो रही हैं, मसाला पीस रही हैं। गांव का जो श्रम होता है वो बिल्कुल सभी लोग जो लोग गांव से जुड़े हैं जानते हैं, वो मामूली नहीं होता है। रोज मसाला वो मिक्सी विक्सी में नहीं पीसा जाता, वो सील पर पीसा जाता है। तो उस वो कर रही हैं और पूरा हाथ जल रहा है, भभा रहा है, आग लग रही है जैसे हाथ में। ये एक पुरुष के लायक होने के लिए, पति के लायक होने के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग चल रही है स्त्री की। तो चलो उसकी, उसके बाद भी मतलब समझ लो अंत अंत तक, पहले पति कहते हैं सबके आगे मुंह मत फाड़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ हाजिरी लगाने की, किसने कहा यहाँ आने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक रूप हैं दमन के, जिनको कहते हैं एक सुखी जीवन के भीतर की जो चोटें हैं वो ये थी। उसके बाद बच्चों ने भी कहना शुरू किया कि माँ आपको पता नहीं है तो आप बोला मत कीजिए, नहीं आप क्या जानेंगे, अरे आपने कहाँ देखा। हुआ क्या फिर उस स्त्री ने कि बोलने का अर्थ है कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकती, तो उसने चुप रहना शुरू किया और हालत ये हो गई कि हंसना भी उसके लिए एक भयकारी बात है, कितना हंसें, कैसे दबा के हंसें। तो ऐसी स्त्रियां जब अपने माँ पिता के घर कभी कभार आती थी तो अपना कलेजा तोड़ के हंसती और रोती थी, क्योंकि रोने की जगह नहीं थी जहाँ वो थी, जिस सुखी जीवन में उसमें हाँ, तो वो रोने की जगह वहाँ नहीं है, हंसने की जगह नहीं है, खिलने और खिलखिलाने की जगह तो छोड़ ही दो। तो जहाँ सारी स्वाभाविकता नष्ट हो, ऐसी ऐसा जीवन। एक तो मैंने ये देखा, ये जो एक एक जबरदस्ती का रूपांतरण जब लादा गया स्त्री के ऊपर, तो उसकी जो तकलीफें थीं वो किस रंग की थीं, कैसी थीं, ये देखा मैंने। दूसरी एक चीज मैंने बड़ी गजब देखी, वो बड़ी हैरतनाक थी, जिसने मेरा उनकी जिंदगी के तरफ से एक नजरिया थोड़ा बहुत सुधारा। और ये मुझे लगा कि स्त्री जो है वो अपना भेद बहुत बचा के रखती है। जो मैंने कहा ना कि मैंने और मैंने यही किया है, मैंने स्त्रियों के भेद का पीछा किया। उस वो जहाँ बचा के रखती है, जहाँ चाहती है कोई ना देखे, एक सुरंग खोदती चली जाती और सुरंग के सबसे नीचे वाले तल में जाके बैठ जाती, वहीं बैठी रहती और वहाँ वो एक अपना संसार बसा लेती है, अपनी चीज़ें, अपनी यादें, अपनी स्मृतियाँ, अपनी उम्मीद, अपनी इच्छा। क्योंकि आप जो हैं, जहाँ विवाह करके आए हैं, आपका काम है बच्चे पैदा करना और काम करना, घरेलू श्रम और बच्चे पैदा करो, और एक एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना, मनुष्य नहीं हो तुम, तुम्हारी भूमिका इतनी है। इसके अलावा जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको साहचर्य कहते हैं, जिसको सहजीवन कहते हैं, है ना, क्योंकि दाम्पत्य का जो रस होता है वो सहजीवन से बढ़ता है, जहाँ आप साझा करते हैं। एक पन्ना ऐसा हो जिस पे दोनों अपना सब कुछ रखते हों, वहाँ बनता है दाम्पत्य, वहाँ बनता है रस। तो ज़्यादातर स्त्रियों की बेदखली है वहाँ, जो वो स्त्रियाँ हैं जिनको आप कहते हैं कि अरे कौन इनकी कौन सुनेगा, अरे ये क्या बोलेंगी, अरे ये कहाँ से आ गई।
तो एक पूरा का पूरा गांव में तो आप जानते हैं भीतर और बाहर बटा हुआ है। पुरुष का जो रोब रुआब है वो और स्त्री भीतर है, तो ये दोनों बंटवारे हैं भीतर और बाहर के। मैंने इस स्त्री को भी ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा कि ये अपना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कोई जी नहीं सकता है ना। आप जी रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से, हाँ ढाक तोप कर सुनीता बिल्कुल। तो ये अंतिका प्रकाशन है, अंतिका प्रकाशन से इशिता इस मोड़ पर इसका नाम है इस किताब का। और तो जो मैं दूसरी स्त्री का अचरज तुम्हें और आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये है कि वो एक अपनी समानांतर दुनिया बना लेती है जहां किसी की दखल नहीं है, जो उसकी दुनिया है उसमें वो गुनगुनाती है, उसमें वो सपने देखती है, उसमें वो उल्लास मनाती, उसमें वो व्यंग तंज करती है, उसमें अपने गीत बचा कर रखती है, उसमें अपनी चुहल बचा कर रखती है ना। वो उस जगह पर, और जो मेरा उपन्यास है चन्ना तुम होगी हो, तो उसमें जब एक घटना घटती है कि पति जो है उसने एक धोखा दिया है और छोड़ दिया है उसको, तो एक दुर्घटना की तरह, आप किताब की तो बहुत सी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, तो आप पढ़ेंगे जल्दी ही आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो जब उसका पति दोबारा आया है 12 साल के बाद आया है, तो अब गांव में इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही कि कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये बात है, देखो 12 साल के बाद आया तो कम से कम, ये कहते हैं ना लोग कि भाई पति, जैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है कभी कभी, मैं सोचती हूँ कि जो हमारा लोक है, चाहे अवधी का हो, भोजपुरी का हो, मैथिल हो, ये लोक जो है वो कैसे चीज़ों को संभालता है मुहावरों में, लोकोक्तियों में। तो कहते हैं जिसके पिया माने वही क्या सुहागिन नाम, एक चलता है कि जिसका पति प्यार करता है उसी का सुहागिन नाम है, ये कहावत है ना। तो प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता, ये आप देखिए कुमार संभवम में पांचवें सर्ग में कालिदास ने लिखा है कि प्रिय को जो प्रिय लगे वही सौभाग्य है, सौंदर्य है ना। तो वो हमारे भोजपुरी में ऐसे बन के आ गई इस तरीके से कि जिस जी के प्रिया माने प्यार करें वही के सुहागिन नाम। तो भैया ठीक है, माने न माने, अगर आप नहीं भी मानते हैं तो अब जो है क्या मर जाएं? नहीं, मरेंगी नहीं, वो अपनी एक दुनिया बसाएंगी जिसमें जो सखियां होंगी, चुहल होंगी, साझा होगा, ऋतुएं होंगी, गीत होंगे। तो जब ये रूपा का पति दोबारा आता है तो गांव में एक शादी पड़ी है, विवाह पड़ा, वहां बहुत लोग जुटे हैं। और उस बड़े मजेदार आपको ये प्रसंग, मुझे लगता है कि जीवन का एक कहते हैं ना, जीवन के जितने रंग हैं हमारे जीवन के, वो महाकाव्य में और उपन्यास में झांकने चाहिए। तो दिखाया मैंने कि वो बड़ी चर्चा है कि रूपा का पति आ गया है, और आ गया है तो मतलब उसको लेने के लिए आया होगा ना, तो वो लोग बातें कर रहे हैं। तो उसी में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, रूपा का जैसे दिन बहुरा वैसे सबका दिन बहरे, और स्त्री की कहाँ गति है, पति प्यार करे, पति माने, पति के बच्चे हों, उनको पालो पोसो, बूढ़े हो जाओ, यही तो जीवन है, तो ये सब भी चल रहा है। लेकिन उसी में एक चूहल चल रही है, और वो चूहल जो नई उम्र की औरतें हैं वो मचा रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, दो लाओ, तीन लाओ, चार लाओ, जो मनसो करो, लेकिन उनका अपना एक संसार है जिसमें वो नाचेंगी गाएंगी और मस्ती करेंगी। तो वो गाती है कि हमने सुनी एक बात नई नई, वो गाना गाती है और गा के कहती है कि हमरे बलम जी की शादी हुई है एक नई की के साथ, माने कोई नई स्त्री के साथ उनकी शादी हो गई है।
तो अपने बलम अपने सवत जी के अंजन बने, अपने अपनी सौत के लिए, मैं अपनी सौत के लिए काजल बनाऊंगी। अब आप बताइए कितनी कितना विनोद है, कितनी मस्ती है, मैं खुद काजल बनाऊंगी और उसमें क्या करूंगी, उस काजल में 100 मिर्चें डालूंगी। काजल ऐसे वैसे नहीं बनाऊंगी, 100-100 मिर्चा डाल के बनाऊंगी काजल। और उस काजल को जब लगाएंगी मेरी सौत जी तो उनकी आंख तो खत्म हो जाएगी, मिर्चे का काजल लगाएंगी तो खत्म हो जाएगी आंख। तो वो फिर मेरे पति जब रोएंगे, है ना, दिन रात रोएंगे उस नयकी के लिए, तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा। ये एक संसार है जो सामना करने के लिए स्त्रियां गढ़ती रही हैं, गांव की स्त्रियां। मैंने कहा ना कि हर स्त्री के पास उसका एक रहस्य होता है, उसका एक तलघर होता है, उसका एक पाताल होता है। ऐसा नहीं है सीता जी, आप बहुत सारे हमारे मिथक हैं जो पाठ मांगते हैं, उनको फिर से उनका पाठ करिए, है ना, बहुत सारे मिथकों का पाठ करिए। सीता कहती हैं धरती से कि तुम, और लोकगीतों में भी बहुत तरीके से आया है ये, कि चलो अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। सीता धरती में जाती है। दरअसल ये धरती उसका स्वत्व है, स्त्री का ये उसकी अपनी जगह है, जहां बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे दाम्पत्य के, पति होने के, रिश्ते नातों के, मर्यादाओं के, विधि निषेधों के, आदर्शों के, बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे, है ना। तो उनसे सबको कहती है जाओ, और वो अपने पाताल में उतर जाती। और लोकगीत में तो आता है मैथिल में तो बहुत सारे सीता के लिए जो लोकगीत हैं गजब के हैं, वो तो वो कहती है कि पाताल में चली जाती। तो ये जो उसका लौटना है, ये जो उसका जाना है, दरअसल ये उसकी अपनी जगह है। तो मैंने जो स्त्रियों की ये जो एक टाइप ऑफ वो देखा, वो मुझे लगा कि यहाँ तक की यात्रा करनी चाहिए, इस उल्लास तक पहुँचना चाहिए जो किसी के भरोसे नहीं है। ये उनकी जीवनी शक्ति, हाँ, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ठीक संतोष, बढ़िया बात कही। तो हाँ, इस तरीके की बात कही जा सकती है, ये कहा जाता रहा। तो जब भाए वाला मानक चलेगा समाज में, इसको भाव तो हो, उसको भाव तो हो, उसको भाव तो हो, तो तुम कहाँ हो भाई, तुम्हारा अपना कहाँ है, तुम्हारी अपना जो एक एक मानवीय वजूद है, तुम एक अस्तित्व हो, वो है कहाँ। वो तो और सारी बातें तो ही हैं कि तुम्हारी पसंद कहाँ है, तुम्हारे सपने कहाँ हैं, तुम्हारा उल्लास कहाँ है, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये बात है जो कि मैंने इस किताब को लिखते हुए, बहुत सारे आपको किरदार मिलेंगे, आप कह सकती हैं एक बहुत ही समझ लीजिए ग्रामीण स्त्री, जब उसके ऊपर बोझ आता है कि भाई पति को संतान नहीं दे पा रही है, तो वो खुद ही विवाह करती है, उसकी ऐसा तो बहुत होता है गांव में, तो करती है वो। लेकिन जब ऐसा वो करती है, उसके बाद उस घर में उसकी जगह नहीं बचती, वो इतना दारुण है, वो इतना पीड़ादायी है कि वह स्त्री जिसने ये घोंट के पढ़ा था कि ना ये सब घुट्टी में दिया जाता है, ये जो दाम्पत्य के ये जो भार हैं, ये सब घुट्टी में डाले जाते हैं, कि तो वो अपना सिंदूर धो देती है मायके में आके, और इसको बड़ी भारी दुर्घटना माना जाता है कि उसने अपना सिंदूर धो दिया और अब वो कभी सिंदूर नहीं लगाएगी, जबकि पति उसका जीवित है। और कितना विरोध हुआ होगा, कितना विद्रोह हुआ होगा, यही लिखा था मैंने। लेकिन उसने न केवल अपना, मतलब उसके वो जो कर सकती थी विरोध, जो विद्रोह कर सकती थी उसने किया, और उसने कहा कि ये भाई हो तुम लोग, भतीजा हो, और तुम लोग परिवार हो हमारे, तो तुम लोग हो कहाँ, मेरी इस नियति में कहाँ हो तुम।
मेरी ताकत बन के कहाँ खड़े हो तुम लोग, और वो बिल्कुल अकेले रही अपने दम पर। एक कहते ना कि एक जैसे महाकाव्यात्मक चरित्र उनका मुझे मिला, और वो उनको जो मैंने देखा, उनके संघर्ष को देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अपना अपना नहीं है, अपना सब सारी दुनिया अपनी है। तो बड़ी जिसको बोल्डनेस कहते हैं, वो बोल्डनेस थी उनके अंदर। वो एक किरदार लिखा, और बहुत सारे किरदार उसमें हैं स्त्रियों के। तो इनको जो ढूंढना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे भी तो एक कमन चाहिए थी कि हम इनके पाताल में उतरे, है ना। तो हाँ प्रज्ञा, बिल्कुल बहुत बड़ा विद्रोह है, बहुत बड़ा। इस सिस्टम में जो हम लोग कहते हैं ना, हम अक्सर महानगरों के यथार्थ से आक्रांत होकर हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, है ना। लेकिन वो भी एक सच्चाई है, लेकिन वहाँ जो बोलबाला है जिस सच्चाई का, वहाँ जो विस्फोट है, वहाँ पर भी जो जीवन के जो असली रूप हैं, मानवीय रूप हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत दबे हुए हैं। वहाँ तक जाने का रास्ता, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से कोई सख्त चीज चढ़ा दी जाए। लोग सब जानते हैं कि ये जो हमारा समय है, किस तरह से पूरी की पूरी रियलिटी को एक आभासी उसमें बदल के रख दे रहा है। तो उस जीवन में विद्रोह के जो रूप होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आर्थिक जो एक स्त्री को एक समाज मिला है महानगरों में, उसको एक बाहर मिला है, उसको कुछ गतियाँ मिली हैं, उसको कुछ अपनी सामाजिक भूमिकाएं मिली हैं, उसको वो दफ्तरों में जा रही है, वो काम कर रही है, तो उसका भी एक समाज बन रहा है। और समाज और सामाजिकता भी शक्ति देते हैं वजूद को, स्त्री को भी देते होंगे, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी जो सामाजिकता, वो स्त्री को उसके अकेलेपन से मुक्त नहीं करती। ये तो बहुत एकदम, आप चाहें तो इस बात को आप कहीं से भी सत्यापित कर लें कि स्त्री अपना जो एकांत है, जो उसका अपना असली है ना, बहुत बोलने वाली, बहुत ज़्यादा घुल मिल के बात करने वाली, और कोई अगर स्त्री है तो हो सकता है कि वो अपने भीतर के सन्नाटे से बचने के लिए ऐसा करती। बहुत सारे रूप होते हैं बर्दाश्त करने के, बहुत सारे रूप होते हैं, और बहुत सारे ऐसे रूपों के विस्फोट हम लोग दुनिया में देखते भी हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये जो जिस स्त्री ने अपना एक स्वायत्त, स्वाधीन रचने का संसार बना लिया, मतलब जिसमें वो रच रही है अपने आप को, जिसके भीतर है, और जिसमें एक बेपरवाही मिली हुई है, और वो बेपरवाही आप समझ सकते हैं। अगर जैसे मैंने लिखा तो मैंने समझा, तो मैंने लिखा, आप पढ़ेंगे तो वहां तक जाएंगे, लेकिन बाकी दुनिया को जो रूटीन की दुनिया है, उसको वो बेपरवाही नहीं दिखाई देती है, है ना। तो हाँ, क्योंकि ये यही सच है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से उस स्त्री को देखकर मैं चकित हुई, और मैंने कहा ये कि कैसी भी बात हो हंसी में उड़ा दो, कितना भी बड़ा दुख हो उस पर परिहास कर दो। आप जानते होंगे कि परिहास प्रियता तो गांव की स्त्रियों का एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, ऊर्जा घर है। किस बात की ना हंसी बना दे वो, है ना। तो वो वहां से सामना करती जो असली बात है। तो जैसे मैंने सोचा कि मैं देखूं कि वो कहां से सामना करती है, तो वो वहां से सामना करती है। तो इस तरह से मेरी जो ये कथा डायरी थी, इसमें बहुत ही एक मुस्लिम स्त्री है, जो मैंने कहा ना जिंदगी एक बाह रंग हरा, तो मैंने उसमें मुस्लिम जीवन जो है, मुसलमानों का जो एक जो निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार है, उसमें प्रेम के और बरकतों के क्या रूप हैं, ये मैंने देखा।
और ये सब देखते हुए मुझे एक चीज और लगी जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ, वो ये बात है कि देखो हम लोग सब हिंदी के बहुत बड़े समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदी का समाज बहुत बड़ा समाज है, हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का, हिंदी बोलने वालों का बहुत बड़ा समाज है। मगर एक चीज खास करके स्त्रियों के संदर्भ में जो विमर्श आपको नजरिया देते हैं, अवधारणा देते हैं, है ना, केवल उसके सहारे आप किसी स्त्री के जीवन में नहीं जा सकते, यानी वो आपको नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो मौलिकताएं हैं हर स्त्री के पास जो एक अपनी हीरे जैसी चमक है, वहां तक जाने के लिए तो आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल पूर्वाग्रहों से अलग होकर जाना पड़ेगा, पूर्व धारणाओं से अलग होकर जाना पड़ेगा। बहुत सारा जो जजमेंटल होने का हम लोगों का तरीका होता है ना, हम लोग हम तो बहुत आत्मालोचन करते हैं, बहुत इस मामले में बहुत ही निर्मम है कि हम लोग वो लोग हैं जो कपड़ों से भी तय कर देते हैं कि कौन कैसा है। ये बहुत ही घटिया बात है, बहुत वाहियात बात है कि आप किसी के वस्त्र से, वेशभूषा से, सजने संवरने वाली लड़कियां हमेशा किसी को रिझाने के लिए ही संवरती हैं। ये सब चलता है ये हिंदी, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ाती रही हूँ, इतने 42 साल मैंने पढ़ाया है, मैंने इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह देखा है कि किस तरह लड़कियों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर संवेदनशीलताएं हैं और क्या क्या जजमेंट आते हैं उस तरीके से कि अगर उसने बहुत हंस रही है तो क्यों हंस रही है, बहुत बोल रही है तो क्यों बोल रही है, आज ये वाला टीका क्यों लगाया, कल वो वाली बिंदी क्यों लगाई, तो इन चीज़ों से भी एक जजमेंट चलता है। तो क्यों है ऐसा, मेरा मन हुआ कि मैं सोचूं, तो ये जब मैंने सोचा कि मैं ये है, क्योंकि एक होता है ना कि आप जानिए जिंदगी को, थोड़ा परतें उठा के देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए, तो मुझे लगा कि एक जो सुसंस्कृति होती है सच्चे अर्थों में, जिसको सभ्यता कहेंगे, सुसंस्कृति कहेंगे, वो बहुत समृद्ध बात है और उसमें कलाओं का बड़ा रोल है, कलाओं की बड़ी भूमिका है, कलाओं के जो संगीत है, चित्रकला है, साहित्य है, लोक नाट्य, लोक कलाएं हैं, इनका बड़ा रोल होता है। जितने बड़े साहित्यकार, जैसे मैंने कालिदास का एक संदर्भ आ गया, मैंने आपसे बात की, मुझे लगता है कि कालिदास की जो पूरी की पूरी रचनात्मक ऊर्जा है वो एक बहुत समृद्ध समय, संवादी समय है कालिदास का समय, जहाँ बहुत सारी कलाएं एक दूसरे के भीतर आ रही हैं, जा रही हैं। तो कालिदास की जो बिंब योजना है, या जो उनका सौंदर्य बोध है, या उनकी जो सृष्टियाँ हैं रचना में, कविता में, तो वो मुझे लगता है कि वो इसलिए हैं कि वो एक उदात्त और बहुत ग्रहणशील और बहुत कल्पनाशील मेधा भी है, मन भी है ना, मिजाज भी है, तो वो उससे अर्जित कर रहे हैं। एक समय जो गढ़ता है हमको एक मनुष्य के रूप में, या मान लीजिए एक रचनाकार के रूप में, जब आप गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो आपकी निर्मिति में रोल कितना है किस चीज़ का। और हम, मैं ये बात, मुझे याद है कि मैं किस संदर्भ में कर रही हूँ, मैं हिंदी समाज के संदर्भ में कर रही हूँ कि ये जो कलाएं हैं हमारे बोध को, हमारे दृष्टि को उन्नत करती हैं, मानवीय बनाती हैं। कहिए तो मैं उदाहरण दूं आपको, रविंद्रनाथ टैगोर, आज ही किसी से बात हो रही थी, रविंद्रनाथ टैगोर की इतनी गति थी कलाओं में, वो खुद भी चित्रकार थे, चित्रकला जानते थे, संगीत जानते थे, और लोक गीतों में तो क्या गजब की उनकी गति थी। तो वो जो एक साहित्य रचा है उन्होंने, उसमें हदें टूटती हैं। बहुत प्रिय कवि थे कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को कबीर बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि बेहद रविन्द्रनाथ के मन की बात कही कबीर ने, बेहद नहीं, हदों से बाहर जो है। तो हदें टूटती हैं, आपकी सीमाएं टूटती हैं जब आप साहित्य के सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ते हैं।
कलाओं से संबंध है। आप अपने समय के रचनाकारों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े रचनाकार ये कहने लगते हैं कि भाई मुझे इस समाज का वो नहीं बनना है, है ना। ये उनको एक गुस्सा आता है, तलखी आती है, वो कभी कभी कहते हैं, तो शायद उनका इशारा इधर होता होगा। हम लोग टूट पड़ते हैं उनके ऊपर कि अरे जिसका खा रहे हैं, जो लोग उनको पढ़ रहे हैं, जो इनके पाठक हैं, उन्हीं को धिक्का रहे हैं कि इनके नहीं उनके नहीं। तो लेकिन ये चीज़ें आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि ऐसा क्यों है। और इसका खास संदर्भ ये है कि स्त्रियों के लिए बहुत पिछड़ी हुई दृष्टि है हमारे हिंदी समाज की, बहुत ही पिछड़ी हुई, कि वो स्त्री को एक जो उसका अनुकूलन है पेट्रियार्की का, बहुत ही उसके बाहर वो नहीं ले आ पाते अक्सर। अगर लाते हैं तो उन मौलिकताओं तक जाने का संघर्ष कितना है, जो क्योंकि हर हर शख्सियत अलग है, ये जान लीजिए। कबीर कहते हैं ना, मोर हीरा कचरे में, है ना। तो वो कचरा हटा के हीरा देखना पड़ेगा, जो हीरा है तो कचरा हटाइए पहले, तब देखिएगा कहाँ है वो। तो वहां तक जाने के लिए वो जो एक समग्रता मूलक दृष्टि है, जिसका संघर्ष है हमारे भारतीय साहित्य में, कि वो उसमें पूर्णता का एक जो एक प्रतिसंसार हम रचना चाहते हैं, वो बहुत अधूरा ना हो, पूरा हो, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो घरेलू स्त्रियां सफल स्त्रियों के प्रति अपरिचय रखती हैं, दूरी रखती हैं, यही कह रही हो शायद ना। मैं ये बात लेती हूँ तुम्हारी भी। तो ऐसा होता है देखो कि फिर ये जो एक सांस्कृतिक बोध बनना चाहिए हमारा, जो साहित्य का एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि उसका जीवन है, वो उसका आधार है, उसको रचता है, वो छूटा हुआ है। कैसे, आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी कलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है। गाने बजाने वालों को आप हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है, आपके अनुभव में होगा, आप लोगों को याद होगा कि अरे ये गवैया बजैया है, है ना। बजाने वालों को और ज्यादा, नाचने वालों को और ज्यादा, अरे क्या है, नचनिया है और क्या है, है ना। ये एक धिक्कार, एक तिरस्कार कलाओं के लिए, माने जिससे आपके जीवन का ललित हिस्सा पूरा हो, जिससे आपका बोध गहरा होगा, जिससे आपकी आंख खुलेगी, जिससे आपका सौंदर्य बोध पक्का होगा। जीवन में देखिए, भोजन तो सभी करते हैं, खाना सबको चाहिए पेट भरने का, लेकिन जब उसमें कला जुड़ जाती है ना, तो वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो जिंदगी जो है, लाइफ विद आर्ट जो हो सकती है, जीवन कला के साथ जो हो सकता है, वो मानवीय हो सकता है, सुंदर हो सकता है ना, तो ये नहीं है। तो कलाओं को आप हीन दृष्टि, सिनेमा देखने को तो कितना हीन काम माना गया, आप बताइए। सबको याद होगा चोरी से सिनेमा देखना, याद है ना, मुझे तो याद है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें सिनेमा देखना ही देखना था, तो हम लोगों को कोई बहुत ही अच्छा बहाना खोजना पड़ता था, जिसके ऊपर सबको यकीन आ जाए। और हमेशा दोपहर वाला शो गर्मी की छुट्टियों में, लू के महीने में, मुंह ढक के हम लोग सिनेमा देखने निकलते थे भैया, कि जाएं, और मुंह कई दो कारणों से ढकते थे, लू से भी बचने के लिए, और कोई मिल जाए तो पहचाने ना कि देखो उनकी लड़की, उनकी बहन सिनेमा देख रही थी। तो सिनेमा देखना एक हीन कर्म, यानी जिससे आपका सांस्कृतिक बोध उर्वर होगा, वो सारे काम आपके यहाँ वर्जित थे। बड़े बड़े अमीर लोग और उस तरह के लोग ही अफोर्ड कर सकते थे गाना सुनना और वहाँ बैठना और वहाँ पे वहाँ के जीवन का आनंद लेना, लेकिन ये सामान्य जन के जीवन से ये जो एक खास करके ये जो एक समर्ण जाति का जो समाज था, ऊपरी हिस्से का जो समाज था, उसके भीतर की ये स्थिति थी, ये नियति थी। तो इसने जो एक फ्यूडल अप्रोच है जीवन के प्रति,
और जिसका सबसे ज्यादा दुर्घटनापूर्ण रूप दिखाया जाता है स्त्री के संदर्भ में, उसने इसको निर्मित किया है। ये लंबे समय तक रहा है। रहा क्या है? रहा आया है, अभी तक है, बाकी है। बहुत सारी जगहों पे वो सारी दुर्घटनाएं बाकी हैं, बल्कि और बढ़ गई हैं, है ना? क्योंकि अभी लालच बहुत बढ़ गया है, लोभ बहुत बढ़ गया, तो स्त्री जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे पुराना कपड़ा फेंक दिया जाता है, उसे उसको भी फेंक दो, जैसे उसको हाँ दीदी परिष्कृत होते हैं कलाओं से। और आपका जो सौंदर्य बोध आपको मनुष्य बनाता है ना, इस समय हम लोग जिन चीजों से जूझ रहे हैं कि हम छटपटा रहे हैं कि आखिर इन चीजों के लिए मानवीय दृष्टिकोण क्यों नहीं है, कहाँ खो गया है एक सामान्य करुणा का जो हृदय है, वो कहाँ चला गया है। तो वो यही कारण है कि फिर हम अब जब वो जगह खाली बची, जब जो एक समृद्ध कलाओं की जगह थी, कला के बोध की जगह थी, जब वो खाली बची तो उसको फूहड़ चीजों से भर दिया गया। मैंने पढ़ा है पुष्पा जी, मैंने पढ़ा है आपकी मस्ती के बारे में काफी। तो इस तरीके से मुझे लगा कि इसको ऐसे देखो, ये संदर्भ हैं, तो ये तो एक एक जो कहते हैं ना कि आपका परिवेश और अपने परिवेश को समझा जाना, जिसमें आप लिख रहे हैं, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उसको समझा जाना कैसे होगा। तो मैंने इसे देखा और मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारे दाम्पत्य सहजीवन के सुंदर मानवीय भाव से खाली बीत गए हैं। बाद में बड़े खेल हुआ करते थे कि अगर किसी पति से पूछा जाए कि आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, मेरा ख्याल है 100 में से 80 पुरुष फेल हो जाएंगे, उनको नहीं पता है, है ना? तो इस तरीके से ये जो सहजीवन से जो मिलता है, साथ जीने से, साथ एक दूसरे को महसूस करने से, सुख दुख से, ये उसकी गुंजाइशें नहीं थी। एक रूटीन की जिंदगी चलती रही। तो उस जिंदगी में दो तरह से स्त्रियों ने, दो क्या कई तरह से, मैं दो क्या कहूँ, नंबर बताना ठीक नहीं है, तो कई तरह से स्त्रियों ने अपना जीने का तरीका तय किया, अपना साहस। क्योंकि जब जो चीज नहीं है, नहीं ही मिलने वाली है, क्योंकि कोई संगठित आंदोलन नहीं है। और क्यों नहीं है, ये लंबी बात है, क्यों नहीं है संगठित आंदोलन, उस पर जाएंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना? ये जो पूरी की पूरी संरचना के भीतर स्त्री की जगह के लिए आवाज और संघर्ष का जो मुद्दा है, उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा और उसमें एकजुटता के रूप क्यों नहीं बनेंगे। विमर्श ने एक नजरिया बनाया है, एक साहस दिया है, आपको सवाल पूछना सिखाया है, आपको उन हिस्सों की को पहचानना सिखाया जहां आप दमन है, जहां मानुषिकता है, वो सारा समझना सिखाया है। लेकिन इसका एक कोई सामूहिक विरोध हो, ऐसा है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से जो सामना करना हुआ, तो सामना करने की कला बेजोड़ है स्त्रियों में। उन्होंने अपने को जीना, अपना जीवन जीना सीखा। और मैं ये किसी शहरी स्त्री के बारे में नहीं कह रही हूँ, शहर की स्त्री के लिए जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, जिसका अपना एक समाज वमाज है, उसके लिए तो आसान है काफी हद तक, कठिन वहां भी है, लेकिन वहां भी हाँ बिल्कुल सही। तो इस तरीके से उसने बहुत ही जबरदस्त, ये मैंने अपनी किताब में इन चरित्रों की टोह ली है। मुझे हमेशा अच्छा लगा कि ये जो किरदार आए, जो चरित्र आए, जो जीवन आए, वो उस जीवन में कुछ बहुत ही स्पंदित ढंग का हो, कुछ छू जाने वाले ढंग का हो, इंटेंस हो, तो वो
हाँ क्यों, क्योंकि रिड्यूस हो जाते हैं ना हम किन्हीं चीजों में छाया बन के रहना पर। इसीलिए देखो तुलसीदास जी इतना बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा है, और अब जब देख रहे हैं हम कि सीता की जो अनुगता वाली छवि है, पीछे चलने वाली छवि, उसको लेकर अब छटपटा रही हैं स्त्रियां, सवाल पूछ रही हैं स्त्रियां, और वो बहुत जायज सवाल है, क्योंकि रामचरितमानस तो बहुत बचा कर, क्योंकि उसको एक पूरा मूल्य विधान है, वो तो उससे बहुत बचा कर चल रहा है ना, उसको राम की श्रेष्ठता साबित करनी है, राम जैसा कोई नहीं तो उनको बताना है ये। लेकिन जगह जगह वो कहीं कहीं वो बचा नहीं पाते, सीता का एक तेजस्वी चरित्र वो दिखाई देने लगता है। तेजस्विता का ये अर्थ है कि आपकी दखल कितनी है, आपकी अपने सीन में भूमिका कितनी है, आप जहां हैं वहां जिंदा चीज की तरह हैं या मिट्टी का लोंदा रखा हुआ है वहां, जिसे हिलाया जाएगा तो हिलेगा। तो वो जो तेजस्विता उसको कहेंगे ना कि भाई आप किसी स्थिति को कैसे संभालते हैं, कैसे आप उसको उसमें हस्तक्षेप करते हैं, कैसे आप सवाल पूछते हैं, कैसे वहाँ कोई चीज़ अगर ठीक करनी है तो आपके पास कितनी ताकत है, कितनी भूमिका है, आपका कितना सुना जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरे सोचने का हिस्सा बनता रहा। और क्योंकि मैं किसी दूसरे लोक से जाके तो कुछ लाना नहीं था, और इस दुनिया में अनुभवों के तमाम रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं जिनको कि सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि ये जो मैंने पहले भी कहा कि किसी किसी धारणा के भीतर स्त्री को रिड्यूस मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छे और असली लोग नहीं मिलेंगे, है ना। असली लोगों तक अगर जाना है तो आपको इसे लेना पड़ेगा, इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना समय लगभग पूरा किया है। पूछ रही हैं अमृतलाल नागर जी के अग्निगर्भ उपन्यास में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हुई भी पति की गुलाम रहती है। यही स्थितियां बहुत ज्यादा हैं, स्त्री की गुलामी के बहुविध पाठों के तरफ कलमें चल पड़ी हैं। बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं अगर नाम लूंगी तो कोई महत्वपूर्ण नाम छूट सकता है, इसलिए मैं नाम लेने से बचना चाहती हूँ। खुश रहो। तो क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है, सामाजिक आत्मनिर्भर, समाज में जो उसका दर्जा है, दोयम दर्जे का जो दर्जा है, जिसको बड़ी वेदना के साथ देखा जाता है, तो वो समाज जब तक स्वाधीन नहीं होता स्त्री के दृष्टिकोण से, यानी स्त्री की अस्मिता के प्रति अगर संवेदनशील नहीं होता, उसको मनुष्य नहीं मानता। मनुष्य होने से बेदखली है, जो सीधी सी बात है वो ये है, वो ये गैर हाजिरी है, वो जीवन में एक गैर हाजिर वजूद है वो, और उसका संघर्ष यही है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो संघर्ष करती है तो उसमें थोड़ी अतिशयता आती है। कभी कभी हम लोग कहते हैं किसी किसी के लिखने में कुछ लाउडनेस दिखाई देती है हमको, है ना, तो उसको लगता है इस मुद्दे को ऐसे ही हल किया जा सकता है, वहां वो हमला करती है। हाँ बिल्कुल। और मैंने ये स्त्री पुरुष के संघर्ष का मामला नहीं है, है ना, ये निर्मितियां पितृसत्ता की हैं, वर्चस्व को वैध बनाती हैं। पितृसत्ता में पुरुष की श्रेष्ठता के नियम को वैध बना दिया जाता है ना। तो वो एक एक दी गई स्थिति उसके लिए भी है, पुरुष के लिए भी, ये प्रदत्त स्थितियां हैं। इन प्रदत्त स्थितियों में दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं चुन लेते हैं, वो श्रेष्ठ होने की भूमिका चुन लेता है और स्त्री जो है वो
कमतर होने की भूमिका चुन लेती है, है ना। ये दोनों ही सामाजिक निर्मित हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्त्री को बनाया है समाज की निर्मित है ना, पितृसत्ता जो है उसकी गुलामी के सारे रूपों को वही बनाती है, तो पुरुष को भी निरंकुश भी वही पितृसत्ता बनाती है। इसको ये भी ऐसे भी पढ़िए कि उसको मालिक भी वही बनाती है। और कितनी सारी कहानियां मुझे बताऊं, मुझे एकदम झिलमिला रही हैं, जिन जिन लेखिकाओं ने इन चीज़ों को ढहाया है, इन किलों को ढहाया है ना। तो वो गई है उसके भीतर कि भाई ये जो निरंकुशता है, जो ये निरंकुशता क्यों है, है ना। तुलसीदास को ही हम ले आए कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रेम की सबसे बड़ी शर्त है विश्वास। तो ये प्रतीति तो अपरिचय से कैसे आएगी, जिसे आप परिचित ही नहीं है, जो इस पूरे दुनिया के रंगमंच पर एक अजूबे की तरह अवतरित हो रही है, जिसके आते ही आप उसको वस्तु के रूप में देखने लगते हैं, उसका मानवीय पक्ष जो है वो गायब हो जाता है, मानवीय वजूद उसका गायब हो जाता है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा आप शुरू करते हैं देखना उसको। तो ये जो निर्मितियां है ना, ये दोनों की हैं, स्त्री की भी है और पुरुष की भी। और ये हाँ बिल्कुल देखो, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास हैं, बड़ा जबरदस्त उपन्यास है, 4 अध्याय है ना। तो उसमें वो पुरुष जो है वो कहता है कि भाई इतना करो, इससे ज्यादा मत करो। वो आजादी को भी तौल तौल के नाप तौल के रखता है कि इतनी आजादी है, इतनी, इससे ज्यादा नहीं है ना। तो हाँ, लेकिन हमेशा ये होता है देखो कि हम लोग जब स्त्री प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, स्त्री संदर्भों के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे दुखों की बातें चली आती हैं, और ज़्यादातर दुखों की जो निर्मिति है वो उसके जो उसके स्वाधीन वजूद के रूप में न जीने देने की स्थितियों के कारण आती है। वो एक समाज है जिसमें वो एक मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती, वो हमेशा उसको अपनी एक स्वीकार स्थिति बनाते रहने के लिए का संघर्ष करना है, यहाँ भी स्वीकार हो, वहाँ भी स्वीकार हो, वहाँ भी स्वीकार हो। तो ये कुल मिला के उसकी गुलामी के रूपों का एक बड़ा कठोर कवच बनता चला जाता है। हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी की सारी जो निर्मितियाँ हैं उन प्रवृत्तियों के कारण है, जिनका पितृसत्ता संरक्षण करती है। और पितृसत्ता का संरक्षण इसलिए जारी है कि हम सही जगह पर चोट नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, आशापूर्णा देवी जी की तो पूरी सीरीज है, वही कह रहे हैं। तो ये जो एक बहुत ही जरूरी पाठ है, बहुत सारे जरूरी पाठ हैं कि आप उसकी पहले तो उसकी अदृश्यता को खत्म करिए, है ना। और ये अदृश्यता दिखाई देने वाली स्त्रियों की भी है, जिन्हें आप देखते हैं, आप मंच पे देखते हैं, आप उनको भाषण देते देखते हैं, आप उनको बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सेदारी करते देखते हैं, वहां भी अदृश्यताएं हैं। बहुत सारे तरीके हैं स्त्री की बेदखल कर देने के, है ना। और उस कठिन इसलिए है कि वो अक्सर परिवार से शुरू होता है। इसका सबसे जो कठिन पहलू है, जो जिसको कहेंगे कि जटिल पहलू है, कि वो अक्सर परिवार से शुरू होता है, और उसमें कई कई चीज़ें चलती हैं। बताया जाता है कि इस कारण ऐसा है, इस कारण है, तुम सुरक्षित रहो, तुम्हें कोई कुछ ना कहे, तुम पे आँच ना आए, इसलिए एक संरक्षणवादी नज़रिया है स्त्री के लिए परिवार का, अपने परिवार की लड़कियाँ, है ना। तो अपने परिवार की लड़कियों को संरक्षण के जार में बंद कर दो, जार में जो भी हो, जहर भरा हो, अमृत भरा हो, उस जार में भर दो, और उसी जार में वो तैरें और सुरक्षित पैदा हों और सुरक्षित मर जाएं। तो ये इनकी पहचान करनी पड़ती है, इनको देखना पड़ता है, और इनको यहाँ पर
जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप तलवार चलाइए, लेकिन इसको बहुत आराम से हम लोग इसको भीतर से दुरुस्त। मैंने मेरी एक कविता है, मैं उसकी दो तीन लाइनें बताऊं कि शायद किसी दिन हम पाताल में फंसी हुई कछुए के दांत में फंसी पृथ्वी को बाहर निकाल लाएं और उसे धो पोछ कर नया कर दें, ये बिल्कुल न हो दुनिया को उलटने पुलटने की तरह। यानी किसी एक कछुए के दांत में फंसी है पृथ्वी, ये एक आता है, एक मिथ है। तो हम पृथ्वी को ही बदलना चाहते हैं, हम पृथ्वी को ऐसा बदलना चाहते हैं कि उस वो मनुष्यों के रहने की जगह हो, मनुष्य के रहने की जगह हो, और मनुष्य रहेगा तो पृथ्वी भी रहेगी, है ना। मनुष्य अकेला नहीं है, मनुष्य के साथ पूरी 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 एक सृष्टि है। मनुष्य के रहने की जगह का अर्थ है उसकी संवेदनशीलता, उसकी जो मानवीय जवाबदेही, उसका विवेक, उसकी पहल, ये सारी चीजें। तो शायद किसी दिन, मेरा जो दूसरा संग्रह है उसका नाम ही है कि, और उसमें बहुत सारे बिंब आते हैं कि कहीं हम जाएं तो रात बिरात कहीं भी किसी भी जोखिम भरे इलाके में चले जाएं। ये इच्छा है कि रात बिरात कहीं भी किसी जोखिम भरे इलाके में चले जाएं और कोई न कहे कि अरे क्या ये स्त्रियों के जाने की जगह है, है ना। तो इस तरीके से उसमें कई स्टेंजा हैं जो इसी तरह वो जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं स्त्री के प्रति दुनिया के, तो उसको उसको वो उससे टकराते हैं, वो इमेजेज उससे टकराती हैं। तो आकांक्षा है एक, मैंने कहा ना कि दुनिया के उलट पुलट हो जाने की तरह नहीं, मैंने स्त्री अगर अपनी जगह लेगी मनुष्य के रूप में तो तुम्हारे लिए क्या कम पड़ जाएगा, किसी के लिए क्या कम पड़ जाएगा। अगर वो अपनी सांसों के लिए जगह लेगी तो कम पड़ने का कहां सवाल आता है किसी के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे और हमारा जो एक समय है, इस समय की जो जो बहुत जिसको कहते हैं ना कि एग्जॉस्ट टाइप का यथार्थ, मतलब बिल्कुल बहुत कठोर यथार्थ है, इस यथार्थ से टकराने की बहुत सारी चुनौतियां हैं। और हम लोग मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है मेरी घड़ी से समय हो चुका है तो मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। और मैंने बहुत आप सबकी सराहना और प्यार और हस्तक्षेप भी, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर हस्तक्षेप है, बिल्कुल बहुत बहुत बार देखो मैंने इनको रहने दिया, जैसे राम भी कह रहे हैं ना कि मैंने सीता को रहने दिया, मतलब अपने पक्ष में जब वो बोलते मैं इनको ले आ रही, कहाँ ले आए भाई, इस पृथ्वी पर सीता की जगह ही नहीं है। तुम कौन होते हो दिग्जगह देने वाले, बताओ। तो बहुत से सवाल हैं, बाकी हैं, और पूरा महिमा मंडन जो है ना उसका उच्छेदन करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। लेकिन अपनी तैयारी के साथ, हमारी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है उस, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं तो बड़ी तैयारी मांगते हैं। जब कहा जाता है, कोई भी बात कही जाती है कविता में और गीत में, तो उसी में शामिल होता है आलोचनात्मक विवेक। तो जो सास है वो पितृसत्ता की एजेंट है, वो सास भी एक निर्मिति है, कलेजा मांग लेती है, वो भी एक शक्ति संरचना है ना, वो संरक्षण कर रही है पितृसत्ता का, ये पहचानना है। तो गीतों में आलोचना जो है हम लोगों की किताबों की तरह नहीं आएगा कि वो आलोचनात्मक स्वर हम अलग से डालें, है ना, अब लिखते हुए हम अपने आलोचनात्मक दखलंदाजी को दिखाते चलें, हम लिखते हुए ऐसा करते हैं, लेकिन गीतों में केवल कहा जाता है। तो जब कहा गया है तो आप
पंखुरी किसके पक्ष में है? बहू के पक्ष में है ना। हाँ, तो ये इसलिए जब कहा भी जाता है तो भी एक आलोचनात्मक पक्ष निर्मित हो रहा है गीतों को। मुझे अच्छा लगा पंखुरी आपने सुना और ये गीत सुना, ये जतसार का गीत है जिसमें वो बहुत मार्मिक गीत है और उसकी आपने मुझे याद दिलाई। तो लंबी बातें होती रहेंगी हमारी आगे भी। मुझे अच्छा लगा यहाँ आना और आपके साथ कुछ बातें करना और कुछ अपनी बातें कहना। और लिखना जो है वो अपने आप में एक बहुत बहुत सुविधाजनक स्थिति नहीं है, सब लिखने वाले लोग जानते हैं कि। और मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि मैं लिख कर और वो छपे न छपे तो मैं मुतमईन रहती हूँ थोड़ा। तो मैंने लिख लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मैं एक चार लाइन कविता की एक सुना दूँ आपको, सुना दूँ ना। तो बहुत फर्क होता है तानाशाह और पेशेवर हत्यारे में, बहुत फर्क होता है एक तानाशाह और पेशेवर हत्यारे में। तानाशाह हत्यारा हरदम तानाशाह की इच्छाओं के अधीन रहता है, हत्यारा हरदम तानाशाह की इच्छाओं के अधीन रहता है। और तानाशाह कभी कोई शनाख्त नहीं छोड़ता, और तानाशाह कभी कोई शनाख्त नहीं छोड़ता है। फ़र्क, इस कविता का शीर्षक है बहुत फ़र्क होता है तानाशाह और पेशेवर हत्यारे। तो मैंने कविता सुनाई, फिर कभी आपको कुछ और भी सुनाएंगे कभी मौका लगा कहीं किसी जगह तो। और आप सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।